हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब। आज हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सो आज हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग भी, हमारे अपनी जो एप्लीकेशन है, हम अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है केमिस्ट्री लोटस। तो केमिस्ट्री लोटस एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगी? ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? प्ले स्टोर पर मिलेगी। तो प्ले स्टोर पर आप जाएँ, प्ले स्टोर से केमिस्ट्री लोटस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ठीक है? तो प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे आपको केमिस्ट्री लोटस एप्लीकेशन मिलेगी। वहाँ पे हमारे पास बीएससी और एमएससी के कोर्सेज हैं, बीएससी एंड एमएससी के कोर्सेज हैं, और जल्दी ही बड़े लेवल पे भी आएंगे, नेट गेट के लेवल के भी कोर्सेज आएंगे जल्दी ही, ठीक है? कंपटीशन के भी कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लेवल के हैं, ठीक है? तो आज हम जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं बीएससी के रिगार्डिंग कोर्सेज के बारे में। तो बीएससी के जो कोर्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? केमिस्ट्री लोटस पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? केमिस्ट्री लोटस पर मिलेंगे। उनके बारे में जानने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? और आपको तो कोर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोर्सेज आपको किस किस के मिलेंगे? आपको मैथमेटिक्स के कोर्स मिलेंगे, आपको केमिस्ट्री के कोर्स मिलेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इन दोनों सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल हैं। धीरे धीरे फिजिक्स के भी आएंगे, जूलॉजी के भी आएंगे, बॉटनी के भी आएंगे, ठीक है? तो ये सारे कोर्स अपने पास अवेलेबल होंगे टाइम के साथ, ठीक है? तो आपको केमिस्ट्री लोटस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और मिनिमम फ़ी में आपको वहाँ पे कोर्स मिलने वाले हैं। केमिस्ट्री के मिलेंगे, फिजिक्स के मिलेंगे, मैथ के मिलेंगे। अभी फ़िलहाल किसके हैं? मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है? और ये कोर्स किसके रिगार्डिंग है? हमारी जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, एक तो जीजीटीयू यूनिवर्सिटी और एक एमएलएसयू यूनिवर्सिटी। तो जीजीटीयू और एमएलएसयू यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स को इन कोर्स को देखना चाहिए, क्योंकि इन कोर्स का एक एक लाइन बिल्कुल इन यूनिवर्सिटी से मैच करेगा। और यहाँ से जिसका भी सिलेबस मैच कर रहा है, अदर यूनिवर्सिटी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उनके भी कोर्स मैच करते हैं, उनका भी सिलेबस मैच करता है, तो वो सब स्टूडेंट्स इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और फ़ी बहुत कम रखी है हमने। मोस्ट ऑफ कोर्सेज की फ़ी 500 रुपीज़ है। मोस्ट ऑफ कोर्सेज की फ़ी कितनी है? 500 रुपीज़ है। और आपको फिर भी इन कोर्सेज में कोई दिक्कत आए तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 8008471980 पर, ठीक है? तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कोर्स परचेज करना है एमएलएसयू और जीजीटीयू के रिगार्डिंग, या अदर यूनिवर्सिटीज का भी कर सकता है, कोटा यूनिवर्सिटी का कर सकता है, वर्धमान यूनिवर्सिटी का कर सकता है, अजमेर यूनिवर्सिटी का कर सकता है, जिनका भी सिलेबस मैच हो रहा है। सिलेबस की वीडियो हर लेक्चर में पड़ी है, ठीक है? तो केमिस्ट्री लोटस जब आप डाउनलोड करोगे तो केमिस्ट्री लोटस में हम हर कोर्स के साथ एवरी कोर्स विद एवरी कोर्स, ठीक है, हर कोर्स के साथ हम फ्री कंटेंट दे रहे हैं जो डेमो लेक्चर हैं। डेमो लेक्चर्स हैं, ठीक है? तो डेमो लेक्चर्स दे रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट पढ़े हुए वो नीचे कमेंट लिखें कि हमारे बारे में, जो पढ़ा रहे हैं उनके बारे में कि कैसे पढ़ा रहे हैं। तो नए स्टूडेंट्स आएंगे वो आपके कमेंट्स दे के और कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक मैंने क्या बताया? यहाँ तक बताया कि केमिस्ट्री लोटस पे बीएससी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। केमिस्ट्री लोटस एक एप्लीकेशन का नाम है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है? तो इस केमिस्ट्री लोटस पे आपको बीएससी के कोर्सेज मिलेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के भी मिलेंगे, सेकंड ईयर के भी मिलेंगे, थर्ड ईयर के भी मिलेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल केमिस्ट्री और मैथ के अवेलेबल हैं। तो केमिस्ट्री का सेकंड ईयर का कोर्स चल रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग दो यूनिट्स हो चुकी हैं। तो इन दो यूनिट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है? तो दो यूनिट केमिस्ट्री लोटस पर हो चुकी हैं। किसकी? बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक की, और इसकी फ़ी 500 रुपीज़ है, आप परचेज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है, सेकंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री आज हम अनाउंस करने वाले हैं, वो भी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी कई बच्चों ने एनरोल कर लिया है। इसी तरह बीएससी फाइनल ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री आज हम अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है? तो आज हम क्या अनाउंस कर रहे हैं वो सारी बातें करेंगे, ठीक है? तो आज हम क्या क्या अनाउंस कर रहे हैं उन सब की बातें करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों की। तो इन दोनों में हम आज लेके आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स। किसका कोर्स? फिजिकल केमिस्ट्री। अब तुम यूँ पूछोगे, सर जी ये हिंदी मीडियम के लिए है या इंग्लिश दोनों के लिए है?
हिंदी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, क्योंकि मुझे पता है फिजिकल केमिस्ट्री आपको मुश्किल लगती है, फिजिकल केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में भी आपने देख ली होगी, जिसमें थर्मोडाइनमिक्स था, जिसमें फेज इक्विलिब्रियम था, ठीक है, वो सारी बातें मुझे पता है, ठीक है, तो ये आपको मुश्किल लगती होगी फिजिकल केमिस्ट्री। इसी तरह से फाइनल ईयर में तो और भी मुश्किल आ गई है, फाइनल ईयर में तो सेकेंड ईयर से भी मुश्किल है फिजिकल केमिस्ट्री, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। कौन सी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट खरीद सकते हैं? GGTU खरीद सकते हैं, MLSU के स्टूडेंट्स हैं वो खरीद सकते हैं इस कोर्स को, GGTU MLSU के स्टूडेंट इस कोर्स को खरीद सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम अब सिलेबस की ज़रा बात कर लेते हैं। इधर मैं सेकेंड ईयर लिखता हूँ BSc, और इधर मैं फाइनल ईयर लिखता हूँ, और इनके फीस स्ट्रक्चर की भी बातें करेंगे। यूनिवर्सिटी मैंने बता दी, GGTU, MLSU, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट जिस यूनिवर्सिटी से भी सिलेबस मैच होता है, जिसमें भी यूनिट मैच होती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंड ईयर की बात करूँ, तो सेकेंड ईयर में हमें पता हर पेपर में 5 यूनिट होती हैं, तो सेकेंड ईयर में पहली और दूसरी यूनिट उसने थर्मो को दी है। किसको दी है? थर्मो को दी है। किसको दी है? थर्मोडाइनमिक्स को दी है, थर्मोडाइनमिक्स को दी है। थर्मोडाइनमिक्स तुम कहाँ पढ़ते थे? कक्षा 11 में पढ़ते थे, BSc सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, सेकेंड ईयर में और कक्षा 11 में। कक्षा 11 में तुम्हें पता ही नहीं चला थर्मोडाइनमिक्स होती क्या है, BSc सेकेंड ईयर में भी अगर तुम नहीं पता कर पाए तो इसका मतलब थर्मोडाइनमिक्स जिंदगी भर के लिए तुम्हारी साफ हो जाएगी। तो थर्मोडाइनमिक्स को बाद में सीखने का मौका कब मिलेगा? बाद में MSc में मिल सकता है, या कहीं कोचिंग करोगे MSc के बाद नेट JRF की, तो वहाँ मौका मिल सकता है। तो उससे पहले तुम मौका चूक जाओगे। क्या कर जाओगे? मौका चूक जाओगे। किसका? थर्मोडाइनमिक्स का सीखने का। तो थर्मोडाइनमिक्स सीखने का मौका यहाँ पे है आपके पास, BSc सेकेंड ईयर का कोर्स हम जो लेके आ रहे हैं केमिस्ट्री लोटस पे, उस पे आप थर्मोडाइनमिक्स का कोर्स सीख सकते हैं। उसके बाद यूनिट थर्ड उसने दी है 2 चैप्टर्स को, एक तो सरफेस केमिस्ट्री को दी है। किसको दी है? सरफेस केमिस्ट्री को दी है। एक उसने दूसरी यूनिट जो है वो दी है किसको? मैक्रोमोलिक्यूल, दूसरा चैप्टर थर्ड यूनिट का, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को। किसको? मैक्रोमोलिक्यूल्स को दिया है, सरफेस केमिस्ट्री को दिया है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को दिया है। यूनिट नंबर 4 उसने फेज इक्विलिब्रियम को दिया है। किसको दिया है? फेज इक्विलिब्रियम को दिया है, फेज इक्विलिब्रियम को दिया है। और यूनिट नंबर 5 उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दिया है। किसको दिया है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दिया है। किसको दिया है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये 5 यूनिट हैं जो जानदार यूनिट हैं, बिल्कुल जानदार यूनिट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, फेज इक्विलिब्रियम पढ़ना है, सरफेस एंड मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ना है, थर्मो पढ़ना है। थर्मो को तो 2 यूनिट दे दी उसने। कितनी यूनिट दे दी? 2 यूनिट दे दी। थर्मो को 2 यूनिट दी है, फेज इक्विलिब्रियम को 1 यूनिट दी है, इलेक्ट्रो को 1 यूनिट दी है, सरफेस एंड मैक्रो को 1 यूनिट दी है। तो टोटल हमारी हो जाती है 5 यूनिट, और इन 5 यूनिट को हम इस कोर्स के अंदर करने वाले हैं। अभी इस कोर्स की फीस 600 रुपीज है, थोड़े दिनों बाद ये बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीटें ही होती हैं, ठीक है। इसी तरह BSc थर्ड ईयर जो आज हम अनाउंस कर रहे हैं, ये कोर्स स्टार्ट कब होगा? ये जो कोर्स है ना BSc सेकेंड ईयर का, ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा विजयलक्ष्मी दशहरा के जस्ट 1 या 2 दिन बाद। लाइव क्लासेस होंगी। कैसी क्लासेस होंगी? लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। तो आप हमारे डाउट पूछ सकते हैं। ऑफलाइन भी होगा भाई कोर्स, ठीक है, तो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन में जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी आ सकते हैं कोर्स के लिए। आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। जो ऑफलाइन में आ सकते हैं वो यहाँ पे बात करें, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो केमिस्ट्री लोटस को डाउनलोड करें। दोनों में आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8008471980। ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में चलेगा, ठीक है। इसी तरह BSc फाइनल ईयर की बात करें, तो पहली यूनिट उसने क्वांटम को दी है। ओ हो हो, क्वांटम आ गई सर, क्वांटम केमिस्ट्री आ गई, जिसका नाम हमने अपने सीनियर से सुना है, बहुत डेंजरस यूनिट बताते हैं इसको, ठीक है, बताते हैं, लेकिन वो इतनी डेंजरस है नहीं। आप ढंग से पढ़ोगे तो कोई भी यूनिट डेंजरस नहीं है। दूसरी यूनिट उसी ने क्वांटम का एप्लीकेशन दे दिया। एप्लीकेशन क्या है क्वांटम का? मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो दूसरी यूनिट क्या है? मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। पहली यूनिट क्या है? क्वांटम है। दूसरी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। पहली यूनिट क्या है? क्वांटम है। दूसरी यूनिट क्या है? मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तीसरी यूनिट क्या है? तीसरी यूनिट में उसने 2 चैप्टर डाले। पहली और दूसरी यूनिट या किसको दी? थर्मोडाइनमिक्स को। यहाँ पे पहली और दूसरी किसको दी? क्वांटम और उसके एप्लीकेशन को। क्वांटम और उसके एप्लीकेशन क्या है? मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यहाँ पे थर्मो चल रहा है, यहाँ पे क्वांटम चल रहा है। यहाँ पे पहली 2 यूनिट में थर्मो, यहाँ पे 2 यूनिट में क्वांटम। ये भी डेंजरस समझते हैं बच्चे, ये भी डेंजरस समझते हैं, ठीक है।
सीखना है तो आप सेकंड ईयर का खरीदो, ये सीखना है तो आप फाइनल ईयर का खरीदो, दोनों सीखने हैं तो दोनों खरीदो, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में उसने कितने चैप्टर दिए, दो चैप्टर दिए, एक तो फोटो केमिस्ट्री दिया, क्या दिया, फोटो केमिस्ट्री। दूसरा उसने किसको दिया है, दूसरा चैप्टर उसने दिया है सोल्यूशन को, सोल्यूशन को, विलयन को, ठीक है। फोर्थ यूनिट उसने क्या डाली है, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट, तो फोर्थ यूनिट उसने कंडक्टेंस डाली है, क्या डाली है, कंडक्टेंस डाली है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। और फिफ्थ यूनिट उसने डाली है केमिकल काइनेटिक्स, क्या डाली है, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ओ केमिकल काइनेटिक्स भी आ गई गुरुजी यहाँ पे, बिल्कुल आ गई, केमिकल काइनेटिक्स, अप्लीकेशन ऑफ क्वांटम एंड क्वांटम, ये तीन यूनिट मेजर यूनिट बनती है इसमें, ये तीन यूनिट मेजर बनती है, क्वांटम उसका अप्लीकेशन, क्वांटम उसका अप्लीकेशन और केमिकल काइनेटिक्स, क्वांटम उसका अप्लीकेशन और केमिकल काइनेटिक्स, क्वांटम उसका अप्लीकेशन और केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद में फोटो केमिस्ट्री एंड सोल्यूशन छोटा यूनिट है, कंडक्टेंस छोटी यूनिट है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी यूनिट डाल दी, दो बच्चे वाली यूनिट डाल दी, तीन उसने बढ़िया यूनिट डाली है। तीन यूनिट आपको अगर सीखनी है तो बिल्कुल ढंग से आपको इस कोर्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इस कोर्स की फी अपन ने रखी है 750 रुपीज़ स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में दिवाली से पहले, दीपावली से पहले आप इस कोर्स को परचेज कर ले, दीपावली के बाद ये कोर्स शुरू हो जाएगा, अभी शुरू नहीं हो रहा है, बिल्कुल मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, ये दीपावली के बाद शुरू होगा, दीपावली के बाद, लेकिन अभी आपको शो हो रहा होगा, एप्लीकेशन पे आपको शो हो रहा होगा, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन के कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको जो भी परचेज करना है उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। हमारे पास केमिस्ट्री ही नहीं, मैथमेटिक्स के भी कोर्स अवेलेबल हैं, मैथमेटिक्स के भी कोर्स अवेलेबल हैं, तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, किस नंबर पे, 8008471980 पे, ठीक है। केमिस्ट्री के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं, और जो ऑफलाइन में पढ़ना चाहता है, चाहे कोई भी पढ़ना चाहे, फिजिक्स पढ़ना चाहे, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8008471980 पे। आपको ऑफलाइन क्लासेज भी अवेलेबल कराई जाएंगी, चाहे वो BSc फर्स्ट ईयर का हो, BSc सेकंड ईयर का हो, BSc थर्ड ईयर का हो। अभी हम बात करें तो BSc सेकंड ईयर का हमारे दो कोर्स चल रहे हैं, एक इनऑर्गेनिक चल रहा है, एक फिजिकल चल रहा है, एक क्या चल रहा है, फिजिकल, ठीक है। ऑर्गेनिक भी बहुत जल्दी आने वाला है। इसी तरह BSc फाइनल ईयर का आज अनाउंस हमने क्या कर दिया, फिजिकल केमिस्ट्री, क्या कर दिया, फिजिकल। इसी तरह आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शो होगा किसका, फाइनल ईयर का। इसी तरह से सेकंड ईयर का, इस इनऑर्गेनिक कोर्स की, जो BSc सेकंड ईयर का कोर्स है इनऑर्गेनिक, इसकी फी 500 रुपीज़ है। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। इनऑर्गेनिक की फ़ी कितनी है, 500 रुपीज़ है। ये आप परचेज कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी दो यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। कितनी यूनिट्स, दो यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। फिजिकल अभी स्टार्ट होगा, दशहरा के बाद जस्ट स्टार्ट होगा, लाइव क्लासेज होंगी। जिन बच्चों ने एनरोल कर दिया उनके पास मैसेज चला जाएगा, जिन्होंने एनरोल नहीं किया है उनके पास भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। क्या फोकस में गड़बड़ हो रही है, यस, ठीक है। तो थोड़ा फोकस में गड़बड़ हो रही है तो वो एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है, अगली क्लास में सही कर लेंगे उसको, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से, फिजिकल केमिस्ट्री का आज अपन ने अनाउंस कर दिया। तो सेकेंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का भी कोर्स 600 रुपीज़ का है, और फाइनल ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स 750 का है। आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लें। इनऑर्गेनिक का कोर्स यहाँ पे 600 रुपीज़ का है, किसमें, BSc फाइनल ईयर में 600 रुपीज़ का है, BSc सेकेंड ईयर में 500 रुपीज़ का है। आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को एनरोल कर लें, कोर्स को एनरोल करने के लिए मैंने आपको फोन नंबर दे दिया है। फोन नंबर अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा फोकस में हो सकता है गड़बड़ है। 8008800847 1980, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।